सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। ये सर रविंद्र जी, बात करें अगर M6 कॉटन की, तो M6 कॉटन में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल को बजट पेश होने वाला है, कल 1 फरवरी 2022 से बजट पेश होगा, और इसमें कपास की, कॉटन की जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको हटाने को, उसको कम करने को लेकर सिफारिशें की जा रही थी सरकार से, आपको क्या लगता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव? देखिए, इम्पैक्ट तो आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या अनाउंस किया जाता है, लेकिन जो भी इम्पैक्ट होगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा। और अभी फॉर द टाइम बीइंग अगर ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो ओवरऑल इसकी एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी अच्छी है, डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छी है, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो 75% ईयर ऑन ईयर ऑलरेडी जंप कर चुके हैं, और फर्दर यही चांसेस हैं कि जितने स्ट्रॉन्ग इसके फंडामेंटल्स दिख रहे हैं ये फर्दर कमोडिटी हायर साइड ही मूव करेगी। अगर कुछ नेगेटिव भी कल बजट से निकल के आता है तो एक शॉर्ट डिप देखने के बाद अगेन प्राइसेस में हायर साइड मूव होते हुए दिखेंगे। यहां से टेक्निकल अगर चार्ट पैटर्न्स की बात करूं तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस दिख रही हैं। जरूर प्राइसेस इस समय ओवरबॉट जोन में है, लेकिन फंडामेंटल इतने ज्यादा सपोर्टिव हैं तो थोड़ा बहुत ओवरबॉट जोन में भी ट्रेड कर सकती है कमोडिटी, लेकिन यहां से अगर कल कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो एक हल्का डिप देखने के बाद अगेन रिबाउंड देखने को मिलेगा। जी, फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।